यहाँ पे भाभी सो रखे हैं और भाभी को ना बहुत दर्द हो रहा। ये देखिए दोस्तों, मेरा पूरा पैजामा फट गया और चोट यहाँ पे लगी है। अच्छा हुआ ज़्यादा नहीं लगी, थोड़ा सा यहाँ पे। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है सोनी नेगी। आज की मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही देवभूमि उत्तराखंड से, अपने गाँव दिगोठी से। तो आज आ रखी मैं अपने गाँव में घास काटने के लिए। थोड़ी देर पहले ना मैंने जो कपड़े दीवान में पैक कर रखे थे हमने, वो सुखाने के लिए रखे, क्योंकि उन पर भयंकर वाली बदबू आ रही थी। तो मैंने छत पे सुखाने के लिए रखे हैं कपड़ों को। सासू जी चले गए घास काटने के लिए और मैंने जो कपड़े अंदर थे उनको बाहर रखे। तो अब जा रही मैं सासू जी के साथ घास काटने के लिए। यहाँ का भी हो रखा यार घास काटने के लिए। तो जो भी है देखते हैं क्या होता। अभी ना धूप चमक रही मेरे चेहरे पर, तो जल्दी से चलती हूँ यार। कल से ना मेरे गले में दर्द भी हो रहा, पता नहीं क्या हो गया मेरे को, किसकी नज़र लग गई मेरे पे भी। कभी कुछ हो रहा कभी सर दर्द, तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। और क्या बोलते, गले में भी दर्द हो रहा मेरे। पता नहीं किस साइड को गए होंगे मेरे सासू जी, इधर की साइड को गए साय से। पता नहीं किसकी बुरी नज़र लग गई मेरे पे ना, यहाँ आके मेरे मुँह धुलने तक का मन नहीं कर रहा। तो ये वाला खेत भी हमारा है, ये नीचे और भी बहुत सारे खेत हैं घास काटने के लिए। वैसे तो मुझे ना अभी मायके नहीं जाना था, बट जाना पड़ रहा। मम्मी का फ़ोन आया था क्योंकि भाभी हॉस्पिटल में एडमिट है, तो मुझे वहाँ की टेंशन भी यहाँ की टेंशन भी। अगर मैं यहाँ से चली जाऊँगी फिर घास कौन काटेगा। पर दो तीन दिन तक देखती हूँ मैं, लगभग लगभग आधा से ज़्यादा घास हम काट देंगे। हम लड़कियों को ना लड़की होना बेकार ही है, क्योंकि इतनी टेंशन होती ससुराल वालों की अलग, मायके की अलग। यहाँ पे सासू जी घास काट रहे, मैंने बोला सासू जी को इधर से ले जाते, मतलब वहाँ से मेरा घर तो नहीं लगता, पर मेरा यहाँ से नहीं लगता, मतलब उधर से नहीं लगता। अब जो भी है, घर के क्या बोलते, प्रधानमंत्री का ऑर्डर आ गया, तो अब वहीं से काटना पड़ेगा घास। ये माँ, यहाँ डर भी लग रहा है यार। दोस्तों यहाँ पे ना मधुमक्खी का घोल है, जो कि हाँ हाँ उसी को बोलते चमड़ा, मधुमक्खी को बोलते तो मधुमक्खियों का घोल है। सासू जी बोल रहे ऐसे बोल रहा चमड़ा, जबरदस्ती मेरे को। तो यहाँ ना नेटवर्क प्रॉब्लम है और मेरा नेट ही नहीं चल रहा। सुबह कितने बजे से, 5 बजे से एक वीडियो अपलोड करने के लिए रखी है। दोस्तों अभी मुझे ना जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई है। बड़ी खुशी ये है कि मेरे भाभी की डिलीवरी होने को थी, वो हो चुकी है और मैं बुआ बन चुकी हूँ। तो जल्दी से भर भर के कमेंट करो यार कॉन्ग्रेचुलेसन, वो बाकी आपकी मर्जी है। तो अभी जा रही मैं हॉस्पिटल श्रीनगर, तो शाम के बज रहे अभी 3। तो अभी जा रही मैं यहाँ से श्रीनगर जाऊँगी अपने ससुराल से, देखते हैं क्या होता। सुबह से हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो सब कुछ ना सही हो गया माता रानी की कृपा से। तो आज कौन सा वो है बाद में बताऊंगी आपको, जो भी हुआ होगा क्या हो रखा। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही। तो दोस्तों ना अभी मुझे पता है कि मेरे भाभी की डिलीवरी हो गई और मेरे सासू जी गाँव में थे, जैसे कि आप सबको पता है। तो मैंने सासू जी को बोला मैं थोड़ा सा जाऊँगी, मतलब देख के आऊँगी, फिर कल घास काटने के लिए इधर आ जाऊंगी। सासू जी ने बोला देवता आज आपकी कृपा से सब कुछ सही हो गया। तो क्या डॉक्टर ने ना हमें डरा दिया था कि मम्मी को खतरा है और बच्चे को भी हो सकता है, दोनों में से मतलब दोनों को फुल खतरा है। हमारे डर के मारे पूरे प्राण यहाँ पे आ गए। मैं इतना रोई, मैंने बोला नाग देवता के सामने अभी खड़ी हूँ, मैंने कहा प्लीज़ नाग देवता कृपा बनाए रखना। और मेरी बुआ बोल रही थी, हमने बोला प्लीज़ सही से हो जाना, सब चीज़ सही से हो जाना, मतलब हो जाना चाहिए। दोस्तों अभी जा रही हूँ मैं श्रीनगर के गाँव से ना, इतनी ज़्यादा उकाल लानी पड़ रही मुझे, क्या बताना जल्दबाजी में वहाँ से जल्दी। दोस्तों भगवान जी ना हम जैसे गरीबों के साथ क्यों करता है ऐसे। आपको पता है थोड़ी देर पहले मुझे बहुत खुशी हो रही थी बुआ बनने की, तो मैं बोल रही थी बुआ बन गई, मैं बुआ बन गई। और जेठ जी के साथ आ रही थी मैं श्रीनगर जाने के लिए, और कोटद्वार के इधर को आए हम, वहाँ पे हो गया हमारा एक्सीडेंट। अब आप
कोटद्वार के वहां पे ना मेरा और जेठ जी का एक्सीडेंट हो गया। तो पता नहीं यार, गाड़ी पे ब्रेक ही नहीं लगा और ऊपर, अच्छा हुआ हम ऊपर की साइड को गिरे, अगर नीचे की साइड को गिरते ना तो हमने वहीं मरना था। आज आज स्वाहा होना था हम दोनों का, पर घर वालों को भी पता नहीं है, ओनली मेरे को पता है, स्वामी जी को भी पता नहीं है। जेठ जी रूम पे आए छोड़ने और चले गए। अगर मैं स्वामी जी को बताऊंगी तो स्वामी जी जेठ जी को डांटेंगे और घर वाले भी जेठ जी को डांटेंगे, तो स्वामी जी को भी नहीं बताना होगा मुझे। ये देखिए दोस्तों, मेरा पूरा पैजामा फट गया और चोट यहाँ पे लगी है। अच्छा हुआ ज़्यादा नहीं लगी, थोड़ा सा यहाँ पे खरोच आ रखी। मम्मी ये देखो यहाँ पे लगी है चोट और सूजन आ रखा, ये इतना सूजन आ गया। अच्छा हुआ ज़्यादा नहीं लगा हम पे। अभी हम आ चुके हैं टेरी लेक के थोड़ा पास और यहाँ से जाएंगे हम श्रीनगर की ओर, जो ये रोड दिखाई दे रही होगी आपको। अभी हम ना रुक रखे हैं क्योंकि पैरों में भयंकर वाला दर्द हो रहा। अभी हैं हम डागर कुठार वाली रोड पे, तो चलते हैं आगे श्रीनगर की ओर। यहाँ पर मेरे भाभी, मम्मी और मेरी बहन, भाभी इस साइड से सो रखे हैं, मैंने उधर नहीं जाना। तो भाभी की तबीयत अभी थोड़ा सा सही है और यहाँ पे ना बहुत सारे मरीज हैं। यहाँ पे भाभी सो रखे हैं और भाभी को ना बहुत दर्द हो रहा है। ए भाभी तबीयत सही छो है? बोल ही नहीं रहे कुछ ना रहे, दर्द हो रहा बेचारों को। दोस्तों अभी बच्चे को मशीन पे रखा है और अभी जा रही मैं उसको देखने के लिए। आपको पता है हमें इतना डर लग रहा था, इतना डर लग रहा था क्या बताना। और भाभी भी रो रही है भयंकर वाला, अभी भी रो रही है पता नहीं। और वैसे भाभी की नॉर्मल डिलीवरी हो रखी, आपको पता है एक बात, वैसे कपड़े भी नहीं ला रखे मैंने चेंज करने के लिए, तो इन्हीं कपड़ों में सो जाऊंगी। फिर कल सुबह हॉस्पिटल जाऊंगी और फिर हॉस्पिटल से जाऊंगी अपनी चंबा की ओर। मुझे नींद से भी आ रही है, तो हम जल्दबाजी में आए ना इधर क्योंकि भाभी ने बहुत